ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। उस दिन तो तुझे मैंने जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन अगर तूने फबिया को तंग करना नहीं छोड़ा तो तेरी जान ले लूंगा मैं। तुम्हारी खोखली धमकियों से ना मैं डरने वाला नहीं हूं। जानते नहीं हो तुम मुझे, उस दिन तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच निकले, वरना तुम्हारे लिए तो मेरे कुत्ते ही काफी थे। नहीं करना मुझे, ले जाओ यहाँ से। जिद मत करें, थोड़ा सा खाने चले। नफरत है मुझे तुम्हारी शक्ल से। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं। बाबा 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 पादी पीछे हटो, देख लीजिए मैं क्या कर रहा हूं। दूर हो। अरे क्या हो गया यार, हम बच्चा है मेरा, इसको अच्छे बुरे की तमीज मैं सिखाऊंगा, कोई और नहीं बताएगा। सो यू स्टे आउट ऑफ इट। बच्चे गलतियों से ही सीखते हैं, और गलती मुझसे हुई है, आप मुझ पे गुस्सा करें। जज्बात में आके बच्चों को खुद से दूर मत करने, वरना इसकी जिम्मेदार भी मुझे ठहराया जाएगा। चलो बेटा आ जाओ। चलो हरीन आ जाए भाई। कैसे भाई के सामने शौहर को बेइज्जत कर दिया, बस ये देखना रह गया था किस्मत में। पानी पिया। आदी आदी मेरी जान, मामा का प्यारा बेटा। अच्छा चलो बस चुप कर जाओ ना, ऐसे रोते नहीं है, बुरी बात है बेटा। बाबा गंदे। ऐसे नहीं कहते, बाबा तो बड़े हैं, बाबा डांट भी सकते हैं, बाबा मार भी सकते हैं, और मेरा बेटा तो सुपरमैन है मामू। और सुपरमैन कहाँ रोता है आपको पता है? जब मामू छोटे थे ना तो मामू को भी डांट पड़ती थी, सच में। हाँ भाई, खूब पिटाई भी होती थी। पता है मामू के पापा तो मामू को मुर्गा बना देते थे। आप मुर्गा बनकर दिखाए ना। चुप, बदतमीज, सबको पता चल जाएगा मामू मुर्गा बनकर कैसे लगते हैं। नहीं मामू, आपको मुर्गा बनना ही पड़ेगा। जी नहीं, मजाक उड़ाते हो मामू का बदमाश। अब तुम्हें आइसक्रीम नहीं मिलेगी, देखना तो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मुझे तो आइसक्रीम चाहिए भाई। अच्छा 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 अच्छा, आइसक्रीम आई हुई है नीचे फ्रिज में, जाओ खा लो जाके। आराम से आराम से आराम से। माना कि राम आंटी की वजह से परेशान है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे निकाले। जो भी है भाई, आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए था। आपको नहीं पता अम्मी इस बात पे कितना बड़ा इशू बनाएंगी, कान भरेंगी अराम के। सनाया, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की है ना? सजा तो फिर भी मिलेगी। मैं मर जाऊंगी, लेकिन हारिस के लिए कभी अपना जीवन नहीं बेचूंगी। Thank you.
परहेज। क्या कर रही हो फरीन? आप कुछ नहीं, मैं वो चार्जर लेने आई थी। अच्छा, मैं चाय लेकर आती हूँ आपकी। पागली हो गई है लड़की, पता नहीं चार्जर कहाँ कहाँ रख देती है। चार्जर तो यहाँ लगा हुआ है। हेलो, आती? क्या हुआ? कुछ नहीं, तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं है, पर चेहरा क्यों इतना जर्द हुआ है? कुछ नहीं हुआ फबिया। बस आज का ही दिन है, इन सब को बेचकर हारिस को पैसे दे दूंगी। हारिस, हारिस, अम्मी वॉशरूम में हूं। बाहर निकलो जल्दी, परेशान करके रख दिया इस लड़के ने मुझे। क्या हुआ कहो। 7 महीने का किराया बाकी है, कुछ पता भी तुम्हें? ये सब कुछ मैं ही याद दिलाऊं। उस मालिक मकान की कॉल आई थी, धमका रहा था कि वो जब तक हमें यहाँ से जाने नहीं देगा हम उसका किराया नहीं दे देते। अब उस मुसीबत को किसने बताया हम जा रहे हैं? उस मुसीबत को किसने बताया ये मुझे नहीं पता। हाँ, मगर इस पूरे मोहल्ले के एक एक घर की घंटी बजा के मैंने सबको जरूर बताया कि मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए मस्कत जा रहे हैं। वाह अम्मा वाह, बस इसी मुसीबत की कमी रह गई थी आपकी तरफ से। अम्मा 10 महीने का किराया कितना होता है अंदाजा भी है आपको? कहां से लाऊंगा मैं इतना ज्यादा पैसा? यार अम्मा तुम हमेशा मुझे फंसा देती हो इस तरह। एक तो इस मुसीबत से कब मेरा छुटकारा होगा? हेलो मेरी जान। हेलो हारिस, मुझे आपसे आज मिलना है। अभी इस वक्त? फरू अभी नहीं मिल सकता, अभी बहुत तैयारी बाकी है। आपको अपनी तैयारी की फिक्र है? मेरी जरा भी फिक्र नहीं। अगर जरूरी नहीं होता तो कभी नहीं कहती आपसे मिलने के लिए। फरू अभी नहीं मिल सकता ना, मैं आज मिलना मुमकिन नहीं होगा। ऐसा आधा घंटा नहीं निकाल सकते। अच्छा अच्छा, जज्बाती क्यों हो रही हो? मेरी जज्बात की फिक्र होती तो क्या ही बात थी। अच्छा ठीक है, एक काम करो, तुम तैयार हो, मैं शाम तक आता हूँ, ठीक है? फबीहा, फबीहा, अरे कहाँ हो भाई? आपने आपस से कुछ कहा है? अरे लेकिन उनके चेहरे की हवाएं क्यों उड़ी हुई है? कह रही थी कि वो चार्जर भूल गई है। नहीं, चार्जर तो वहीं लटका हुआ है। अरे पता नहीं इस लड़की के दिमाग को क्या हो गया है। खैर तुम छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? नसरीन बहन का फोन आया था, वो तुम्हारी और हमजा की तारीख मांग रही थी रुखसती। फबीहा क्या हुआ? पूरी बात भी नहीं सुनी? सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? अम्मा बात मेरी खुशी की नहीं, मेरी मर्जी की है, और मुझे नहीं करनी अभी शादी। अच्छा आज नहीं करनी शादी, कल तो शादी करनी पड़ेगी ना, आखिरकार करनी पड़ती है।
अम्मा शादी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे पे आपकी जिम्मेदारी है। अभी आप ही की शादी नहीं हुई, मैं नहीं कर सकती अभी। अब हमजा की अम्मी को मना कर दें। हैं? मना कर दूं? अरे कोई छोटी मोटी दावत है क्या जो मना कर दूं? बड़ी बात है। आपी, कहीं जा रही हैं आप? हारिस के साथ बाहर जा रही हूं। आपी, एक बात तो बताएं, हारिस भाई आपको मस्कत कब तक बुला लेंगे? क्यों, क्या हुआ है, क्यों पूछ रही हो तुम ये? जब बताएं तो कब तक बुला लेंगे? नहीं नहीं, 5-6 महीने लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ये बिना वजह सवाल मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। आपकी रुखसती के बगैर मेरी रुखसती नामुमकिन है, और ये बात मुझे हमजा को समझानी। मुझे तो लगता है तुम हमजा से शादी ही नहीं करना चाहती। तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे फबिया। ऐसी बात नहीं है, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाह रही। मैं तो माँ की दहलीज पे बैठे बैठे बूढ़ी नहीं हूँ, तुम्हें होना तो रहती रहूँ यहाँ। देर हो रही है, निकल रही हूं मैं। अरम के इस बर्ताव का पता नहीं उस मासूम बच्चे के दिल पे क्या असर हुआ होगा। तुमने बिल्कुल ठीक किया अरम को तम भी करके। लेकिन सनाया को लगता है कि मुझे अरम से कुछ नहीं कहना चाहिए था। उसके बच्चे हैं, उनके साथ कुछ भी कर सकता है, हमें कोई हक नहीं है। हाँ भाई, हमारा तो सिर्फ बच्चे पालने का हक है ना, बाकी सारे हक उनके। मुझे तो अब वाकई बहुत फिक्र होने लग गई है सनाया के लिए। जुनेद, सोमिया ठीक ही कहती है, आखिर जरा जरा सी बात पे वो कब तक पिसती रहेगी?
जब तक सनाया खामोश है हमें भी चाहिए कि हम चुप रहें। वो अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रही है, करने दें। हम और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसका हौसला बन सकते हैं। कोई मेरे दिल से पूछे कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है, मैं अपनी बेटी को 2-4 दिन के लिए मैं क्यों नहीं बुला सकती। मैं बस फोन पे उसकी आवाज सुन के खामोश हो जाती हूँ। अच्छा ही अम्मी, सनाया को दूर ही रखे मायके से। मैं तो कहती हूँ बच्चों की जिम्मेदारी से भी हाथ उठा ले। पता नहीं उनको कुछ और बुरा लग गया तो सारा इल्जाम हमारे सर आ जाएगा फिर से। मायका तो वैसे ही बदनाम है, और बदनाम होने की क्या जरूरत है। क्या बातें करती रहती हो तुम सोमिया बैठ के। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आपको कल सनाया से मिलाने ले चलूंगा। ले जाना बेटे। अनाया चलो बेटा उठो, सुबह स्कूल जाना है ना, आ जाओ सो जाए। प्लीज बस थोड़ी देर और। बेटा जिद नहीं करते ना, आ जाओ गुड गर्ल। पापा प्लीज ना, मम्मा से बोले बस थोड़ी देर और देखने दे। थोड़ी देर देखने दो उसको टीवी। अच्छा अब कोई मेरी बेटी को डिस्टर्ब नहीं करेगा, बस। चलो सुबह स्कूल है ना, अपनी बहन की तरह मेरी बेटी की आदतें खराब ना करे। चलो आ जाओ। चलो शाबाश गुड गर्ल, अच्छी बच्ची है ना मेरी। कसम से फरहीन, तुमने तो सारे मसले ही हल कर दिए। हारिस खुश तो मैं भी बहुत हूँ, पूरे 2 लाख का सेवर बिक गया। मेरे वीजे और टिकट का मसला तो हल हो गया ना। लेकिन हारिस देखो, आप कोई डंडी मत मार देना, ये ना हो कि ये सारे पैसे तुम कहीं और खर्च कर दो और मैं चोरी का हार अपने गले में लिए फिरती रहूँ। ये सिर्फ मेरे टिकट और वीजे के पैसे हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ हम कल ही मेरे वीजे के लिए अप्लाई कर देते ना। क्या हो गया हारिस, चुप क्यों हो गए हो? कल कैसे कर सकते हैं, कल दोपहर की तो फ्लाइट नहीं रही। हाँ तो फ्लाइट तो 3 बजे की है ना, वीजा ऑफिस तो सुबह 9 बजे खुल जाएगा, 1 बजे तक हम वापस भी आ जाएंगे। अपने शोहर में जरा भी भरोसा नहीं है। भरोसे के सहारे तो पूरी जिंदगी भी गुजारी जा सकती, बोलो तो गुजार दूं? देखो जल्दबाजी का काम हमेशा खराब होता है, क्यों अपने साथ और जुल्म करना चाह रही हो तुम? हाँ जहाँ इतना सब्र किया है वहाँ 2-4 महीने और कर लो, और तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मेरी मस्कत में सिर्फ एक बार एंट्री होनी, अगली फ्लाइट देखना तुम्हारी होगी, और फिर ना ही पैसे में कमी आएगी और ना ही मेरी मोहब्बत में। देखो हारिस मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब तक मैं इसी यकीन के सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारी थी कि तुम मेरे पास हो, लेकिन अब कल से तो मेरे पास ये यकीन भी नहीं रहेगा। अरे अम्मी की कॉल। हेलो, मैं बस आया 10 मिनट। जी जी बस आ रहा हूँ। चले चले ठीक है। क्या हो गया? जाना पड़ेगा। अरे फौरन से। लेकिन कुछ बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या? अरे काम आ गया, जल्दी से आ जाए। अब चला ना पता माँ की ममता कैसे तड़पती है जब उसके बच्चे को कोई सख्त उंगली भी लगाए तो। फिर सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिससे कोई उसकी औलाद छीन ले। ये मेरी हसरत ना होगी कहूँ। क्या करें आप? मैं कर देती हूँ। मैं करती हूँ।
अरे मैं कब से कह रही हूँ मैं कर देती हूँ, आप बस तुम अपने भाई के सामने जलील करो ना मुझे। वैसे भी तुम्हारा शौहर किसी काबिल तो है नहीं। तुम्हारे एहसानात में घिरा हूँ इसलिए जैसे मर्जी क्या ट्रीट करो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैंने आपके बारे में कुछ नहीं कहा भाई के सामने। नक्शा तो यही खींचा है ना यार कि किसी काबिल नहीं है तुम्हारा शौहर, किसी काम का नहीं, तुम ही कमाती हो, तुम ही घर चलाती हो, जरूरियात पूरी करती हो तुम मेरी। अरम प्लीज मेरी बात को मेरा गुनाह मत बनाए वरना मुश्किल हो जाएगा एक दूसरे का साथ। सनाया मेरी इज्जत अफजाई के लिए ना इतना अटैग ही काफी है कि मैडम सनाया का हस्बैंड हूं मैं। मैडम तो बस वहीं रहने दो। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है, ये बूंद भी ये प्यास है, दरिया मगर कब पास है। ये लें 1.5 लाख रुपए हैं, पूरे 10 महीने का किराया। स्टेट वाले की वजह से छूट दे दी तुम्हें, वरना कसम से पहले महीने ही घर से बाहर कर देता। वैसे कौन से कानून के खजाने में कूदे हो बॉस, मस्कत का वीजा भी लग गया, घर का किराया भी दे दिया, चक्कर क्या है बॉस, किसे चूने लगा के भाग रहे हो? आपको आपका किराया मिल गया, कल तक हम ये घर खाली कर देंगे, अब आप यहां से। हाँ हाँ जा रहा हूं। एक बात तो बताओ, कौन सा कारून का खजाना हाथ लगा है तुम्हारे? अम्मा छोड़े इस बात को, बस दुआ करें कि कोई और मुसीबत हम पे ना आन पड़े, वरना वहां जाके हमें फाके करने पड़ेंगे और कुछ नहीं। किस्मत अच्छी थी, शुक्र अदा करें अल्लाह का। अरे वो सब तो ठीक है, मुझे तो बताओ आए कहां से इतने पैसे? वो मेरी पागल बीवी ने अपनी माँ का जेवर बेच दिया। क्या? और यकीनन ये सब उसने तुम्हें वीजा टिकट के लिए दिए होंगे जो तुमने। अरे अरे फबिहार चूल्हा तो देखो, कहाँ घूमो? कुछ नहीं बस ऐसे ही। आपको कुछ काम था? मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुनिया से झूठ बोल सकती हो, मुझसे नहीं। अम्मी आप बिलावजह परेशान हो रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमजा से बात हुई? कुछ भी तो नहीं। तो फिर शादी से इनकार क्यों, सच सच बताओ। अम्मी ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और मुझे भी आपके लिए अपने लिए बहुत कुछ करना है। हमजा क्या कहता है? मेरी अभी उसे इस बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन मैं समझा दूंगी उसे, बस आप समझ जाएं और शादी की जिद छोड़ दें। क्या हो गया? सन्नाटा छाया हुआ है, किसी की मौत वौत हो गई है क्या? तुम तो रहने ही दो, तुम्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि बता के जाओ। अच्छा, और ये जो आपकी लाडली यहां खड़ी हुई है, दिन रात हमजा के साथ घूमती है, इसके बारे में क्या ख्याल है अम्मा? हमजा पे तो बड़ा यकीन है आपको और मेरे शोहर पे कोई एतमाद नहीं? वाह भाई वाह, बता रही हूं सिर्फ 4-6 महीने की मुसीबत रह गई है, उसके बाद एक दफा यहां से चली गई ना, जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कसम ले लो तुम दोनों मुझसे। अच्छा ये ना दिखा। सुन लिया मैंने,
कविया की अम्मी से कॉल पर बात हुई थी। फिलहाल उन्होंने शादी के लिए कुछ वक्त मांगा है। हेलो, तुम मेरी कॉल्स अवॉइड कर रहे हो? अच्छा लगा सुनके कि तुम मुझे इतना तो जानती हो। मुझे तो लगा था कि मेरे जवाब के बाद तुम्हारी फॉरेन कॉल आएगी, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ। हमजा की कॉल नहीं आई। तुम्हारे मुंह से इनकार सुनने की हिम्मत जो नहीं थी। मैंने इनकार नहीं किया हमजा, कुछ वक्त ही तो मांगा है। वक्त और मोहब्बत ही तो देना चाहता हूँ मैं फबिया, पूरे हक के साथ। समझने की कोशिश करो हमजा, तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? और तुम मुझे कब समझोगी फबिया? तुम्हें खो देने से डर लगता है यार। साथ रहोगी तो इस खौफ से आजाद रहूंगा। लेकिन फिर एक बेटी के लिए माँ की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैंने सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना हमजा, मेरे साथ दो जिंदगियां और हैं। और जानते हो तुम ये, जब तक आप की रुखसती नहीं हो जाती ये सब मुमकिन नहीं है। चलो ठीक है, फरहीन की रुखसती तक मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन वो मस्कत चली जाएगी उसके बाद मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा फबिया। और रही बात तुम्हारी और आंटी की जिम्मेदारी की, तो तुम मुझ पर छोड़ दो। खैर मुझे ये बताओ कि हारू ने दोबारा तंग तो नहीं किया तुम्हें? नहीं। मैंने सोच लिया कि अब क्या करना है इस मामले का। तुम बेफिक्र हो जाओ, अब वो तुम्हें तंग नहीं करेगा। जी, दिस इज सूर्या स्पीकिंग। सर आपको इसलिए कॉल की जा रही है कि हाउस मंथली इंस्टॉलमेंट के साथ आपको इसमें एयरली पेमेंट भी अदा करनी होगी। जी कितनी है वो कहानी बताइएगा। सर 5,50,000। ठीक है जी, मैं जमा करवाता हूँ जितनी जल्दी होता। और सर लास्ट डेट 30 दिसंबर है। जी बेफिक्र है, करवाता हूँ। बलून पेमेंट आ गई है घर की और बच्चों की ईयरली फीस भी है।
चला ना पता। माँ की ममता कैसे तड़पती है जब उसके बच्चे को कोई सख्त उंगली भी लगाए तो। फिर सोचो उस माँ पे क्या गुजरती होगी जिससे कोई उसकी औलाद छीन ले। अम्मी आपने ना अपनी सोच को महदूद कर लिया है कि अरहम को मैंने आपसे छीन लिया है। ऐसा हरगिज नहीं है, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कम से कम अपनी तरबियत पे यकीन रखें। मर्द अगर मोहब्बत में अंधा हो जाए तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तुमने तो पता नहीं कौन सा जादू कर दिया मेरे बेटे पर। अम्मी मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं जितना आपने मुझे समझ लिया है। मैं तो तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना ही नहीं चाहती। पता नहीं भाई क्यों आ जाती हो तुम मेरा खून जलाने के लिए। बहुत गलत कर रही हैं अम्मी आप, बहुत गलत कर रही हैं। बिला वजह किसी को कसूरवार ठहराना गुनाह से कम नहीं है अम्मी। रह जाओ बीबी, किसी बड़े नुकसान में पड़ने से पहले बेहतर है अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। एक माँ से उसका बेटा छीना है तुमने, क्या पता किस वक्त हिसाब की घड़ी हो, हिसाब देना पड़े तुम्हें अपने गुनाहों का। अम्मी आपको जो कहना है आप कह रहे हैं, लेकिन वहां दलिया रखा है वो याद से खा लीजिएगा। कौन आ गया? फबीहा, फबीहा देखो शायद हमजा आया है। पता नहीं कहां चली गई, मैं खुद ही उठ के खोल लूं। ये तुम कहां जा रही हो सुबह सुबह? इंटरव्यू है। जो हमजा की मैडम ने जॉब का कहा था तो क्या वहां बाकी बनी? वो मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी कंपनी में ऑफिस जॉब करूंगी। केयरटेकर का कोर्स करके इतने पैसे खर्च करके अब तुम ऑफिस जॉब करोगी? आप ये सब छोड़े मुझे बताएं हारिस भाई की फ्लाइट कब है? 3 बजे। अच्छा फबिया सुनो, आज तुम बस में चली जाओ, मैं हमजा के साथ एयरपोर्ट चली जाती हूँ। तुम जानती हो ना मेरा जाना कितना जरूरी है। तुम कहोगी तो हमजा मान जाएगा, मेरी बात तो पता नहीं माने या ना माने। मैं हमजा से कह दूंगी वो छोड़ देगा आपको। ठीक है, मैं तैयार रहूंगी। खुदा अल्लाह हाफिज। अम्मी मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। फबिया तुम अभी तक यहीं पे हो तो? हाय। देखो हम बहुत शरीफ लोग हैं, मोहल्ले में बहुत इज्जत है हमारी। हमारी इज्जत रहने दो। कितनी समझदार है, कुछ समझदारी अपनी बेटी को भी सिखाई है ना। तुम्हारी वालदा की उम्र की हूं मैं, और ये अरे ये तो मेरी सेफ्टी के लिए है ना आंटी, डराने के लिए थोड़ी लाया हूं। आप खुद सोचे ना, जिस लड़की के पीछे मर्दों का हाथ हो उससे मुकाबला जरा मुश्किल हो जाता है ना। मेरी बेटी कोई ऐसी वैसी नहीं है। और मैं भी वैसा नहीं हूं। सॉरी, जो जैसा है वैसा ही नजर आएगा ना। देखिए आप हमें तंग करना छोड़ दें, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ऐसे कौन कम बखत लेने के लिए आया है?
मैं तो यहाँ पर एक सौदा करने के लिए आया हूँ। सौदा? 4.5 लाख रुपए का गबन किया है ना आपकी बेटी ने, तो सौदा तो करना पड़ेगा आपकी बेटियों का। फैसला कर ले। हाय 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 छोटी या बड़ी? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस मामले से। कितनी बेमुरव्वत हो तुम। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी और कितनी सफाकी से तुमने खुद को बचा लिया। बहुत गलत बात है, देखो इंतहाई गलत बात है। अब वो फंसी है तो तुम्हें तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। ये क्या ऑल फॉर बोले जा रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। देखें, एक महीना दें आपके सारे पैसे लौटा देंगे। अगर आप इसी तरह हरासा करते रहे तो हमें मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। कानून का सहारा लेना है तो फिर इसके लिए प्रॉपर केस तो होना चाहिए ना। चलो यहां से चुप। कोई आगे बढ़ा ना, पीछे। विजय, डरना नहीं है, मना किया था ना, डरना नहीं है। ये मेरी हसरत ना होगी कहूं।